वन प्लस नोड ईयरफोन। अगर अनबॉक्सिंग पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए बहुत लोग लाइक का एम रखता है, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी लाइक का एम रखें अपने औकात के अनुसार, जीरो। अब देखिए वन प्लस ना ये जो ईयरफोन लॉन्च किया है, हम सोचे थे कि नहीं लेंगे, लेकिन हम दो चार को वीडियो देखे, बोला कि बहुत अच्छा अच्छा है, एकदम ले लो, जाके हम फंस गए। ये जो वन प्लस ईयरफोन है इसका कीमत पता है कितना है? 800 रुपया। इसलिए जो भी बताएंगे ना सच बताएंगे, सच के सिवा, समझ गए ना, समझदार हैं आप लोग। अब देखिए अगर आपके पास Realme Buds 2 है और आप यूज़ कर रहे हैं, तो डिज़ाइन के मामले में एकदम डिट्टो सेम टू सेम Realme Buds 2 का कॉपी एंड पेस्ट है, पूरा नीचे से लेके गर्दन तक एकदम जुड़वा भाई। अबे देख क्या रहा है, लुक है, इसे बोलते हैं जुड़वा। एकदम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा Realme का और कौन सा OnePlus Note ईयरफोन है। फिर ऊपर का जो खोपड़ी का नक्शा है ना, वो बस अलग है, वही पहचान बताता है कि देखो ये Realme और ये है OnePlus, बस इतना ही डिफरेंस है। इसका जो पिन है ना वो नॉर्मल है, बहुत सारा आप ईयरफोन देखे होंगे जो कि 300 और 500 के बीच में आ जाता है, जिसका जो पिन है वो गोल्ड प्लेटेड होता है, और पिन का जो एंगल होता है या तो वो 90 डिग्री पे होगा या फिर 45 डिग्री पे होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब आप इसे अपने फोन में घुसाएं, क्या बोला तूने, और फिर निकालें, तो भैया आपका जो ईयरफोन है वो सही सलामत निकल जाए, यानी वायर पे जो है ज्यादा फोर्स ना पड़े। बट यहाँ पे जो है सिंपल वाला दिया गया है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आगे में रबर कोटिंग दिया रहता तो एक ग्रिप बन जाता, बट आगे वाला जो पोर्शन है वो काफी चिकना है, मतलब एकदम ग्लॉसी है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे पिन डालेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हम ये पिन डाले और उसके बाद जब हम इसको खींचते हैं, वो भी जब आपके उंगली में हल्का पसीना उसीना या फिर थोड़ा गीला उला हो, तो उस केस में क्या है कि ये जल्दी खिंचाता नहीं है और आपका उंगली ना स्लाइड होते हुए वायर के पास आ जाता है, वायर के पास थोड़ा सा रबर कोटिंग दिया गया है, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अकॉर्डिंग टू प्राइस इसमें 90 डिग्री या 45 डिग्री पे अगर टिल किया हुआ रहता तो सही रहता। अब जैसा पिन आपको इसमें देखने को मिल रहा है एकदम सेम टू सेम, वैसा ही पिन आपको किसमें मिलेगा, Realme Buds 2 में। बाकी यहाँ पे अगर वायर क्वालिटी की बात की जाए ना, तो ब्रेडेड वायर क्वालिटी दिया गया है जो कि काफी अच्छा है, मतलब ज्यादा मोटा नहीं है लेकिन दिखने में अच्छा लगता है और टिकाऊ लगता है। थोड़ा सा जब आप ऊपर आएंगे जहाँ पे वायर का ज्वाइंट है, तो एक साइड जो है आपको हल्का सा मोटा दिख जाता है और दूसरे साइड जहाँ पे दोनों ईयर पीस का जो वायर निकला हुआ है, तो वहाँ पे जो वायर क्वालिटी है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो कंट्रोल बटन दिखाई देगा, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल रिसीव, कॉल पॉज वगैरह जो है, गाना फॉरवर्ड वगैरह, जो भी लन फन देवनन वाला चीज है वो कर सकते हैं। अब जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि Realme Buds 2 और ये जो OnePlus Note ईयरफोन वायर्ड वाला, तो ये दोनों का ऊपर से नीचे पूरा एकदम सेम टू सेम है, बस ये वाला जो इसका सर है वो चेंज है। अब जो ये ईयरबड्स है, अगर मुझे इसे कंपेयर करना पड़े Realme Buds 2 से, तो इन दोनों में किसका बढ़िया है, तो मुझे इसका जो है काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब प्रीमियम लगता है दिखने में। अब ये वाला जो ईयरबड्स है ये एकदम डिट्टो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, जो कि OnePlus का नेक ईयरबैंड आता है जेड सीरीज वाला, तो उसमें भी आपको सेम टू सेम जो ईयरबड्स दिया गया है ना एकदम डिट्टो, समझ गए ना। और इसका ईयरबड्स में एक बढ़िया चीज़ है, वो है मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक ईयरबड्स आपको मिल जाता है। अब देखिए वीडियो में हम कहते हैं ईयरफोन चाहे डिजाइन में जैसा भी हो, हेडफोन जैसा भी हो, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी तगड़ा होना चाहिए जो कि अपने प्राइस को जस्टिफाई करे। तो ये ईयरफोन क्या अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, आइए देखते हैं। अब ये जो साउंड क्वालिटी है ना, ये होता है सब्जेक्टिव, यानी किसी को बेस पसंद है, किसी को ट्रेवल पसंद है, किसी को लाउड में ज्यादा पसंद है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यही बात को ध्यान में रखे हम 4-5 को आदमी के ऊपर टेस्ट किया और उसके बाद फिर जो एवरेज रिजल्ट निकल के आया है वो हम आपको बताएंगे। भैया अभी सुबह का 9 बज रहा है और अभी जस्ट हम सो के उठे हैं, अब निकलते हैं बाहर और ढूंढते हैं आदमी टेस्ट कराने के लिए ईयरफोन का। अब बताओ ये वाले ईयरफोन और वो वाले ईयरफोन में किस में तुमको बेस मतलब अच्छा लगा? उसमें बेस अच्छा लगा, मतलब रियलमी वाले में अच्छा लगा, वन प्लस वाले में अच्छा नहीं लगा ना? किसमें तुमको बेस अच्छा लगा? इसमें साउंड ठीक है, अच्छा लगा, बैठने में मजा आ रहा था।
तो अभी जो आपको हमारा ऑडियो सुनाई दे रहा है ना, वो ये जो वन प्लस नोड ईयरफोन है, इसके माइक से आपको ऑडियो मिल रहा है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बताइएगा कि इसका माइक क्वालिटी आपको कैसा लगा। अब यहाँ पे हम 5 लोगों के ऊपर टेस्ट किए, ज्यादा वीडियो हम नहीं दिखा सकते इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहा था म्यूजिक जो कि दूसर का वाला है ना, आप देखे कॉपीराइट यूट्यूब, समझ गए ना। जब हम वॉल्यूम को ना 50% पे रखे थे और उसके बाद फिर जाके रियलमी बड्स 2 और वन प्लस नोड वायर ईयरफोन जो है दोनों को हम चेक करवाए 5 लोगों से, और हम एक ही चीज पूछे, बेस आपको किसमें ज्यादा मिल रहा है, मतलब 50% वॉल्यूम रखने पर। तो 5 में से 4 लोगों ने कहा कि बेस जो है वो रियलमी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू वन प्लस नोट ईयरफोन। और जब साउंड 50% पे था तो बेस के साथ साथ जो ऑडियो क्वालिटी था, जो आउटपुट था ऑडियो क्वालिटी का, वो रियलमी बर्ड्स का जो था वो अच्छा लोगों ने बताया, मतलब उनका जैसा कहना था वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन भैया जी अग्नि परीक्षा बचा हुआ था, जैसे ही हम वॉल्यूम को किए 70% पे और उसके बाद फिर हम बोले लोगों को कि देखो अब बताओ कि किसका साउंड क्वालिटी और किसमें बेस ज्यादा है, 3 लोगों ने कहा कि वन प्लस का जो मतलब साउंड क्वालिटी है वो बेटर है एज कम्पेयर टू रियलमी बर्ड्स 2 से। रियलमी वाले बर्ड्स में प्रॉब्लम ये हो रहा था, जब 70% पे वॉल्यूम चले जाता है तो वहां पे क्या होता है कि लाउडनेस और बेस ये दोनों बढ़ जाता है, और ये दोनों बढ़ने के कारण आपका जो कान है जब आप सुनते हो ईयरफोन लगा के तो वहां पे आपके कान को हर्ट करता है, मतलब आपको ऐसा फील होता है कि नहीं भैया साउंड थोड़ा हम कम कर देते हैं, मतलब ऐसा फील आपको होगा जब आप रियलमी बड्स 2 का उपयोग करेंगे। बट ये 5 में से जो 2 लोग थे वो बोल रहे थे देखो भैया हम क्यों, मतलब हमको रियलमी बड्स 2 जो है वो बढ़िया मिल रहा है, एकदम साउंड क्वालिटी बेस एकदम तगड़ा, तो हम काहे मतलब 70% पे सुने, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि हम कितना पे सुनना चाहें नहीं सुनना चाहें। तो जितना पे हमको लगेगा कि नहीं ये हमारे कान के लिए बिल्कुल सही है, हमको सही से सुनाई दे रहा है, तो हम उतने पे ही वॉल्यूम रखेंगे। तो ऐसा उनका कहना था जो हम आपको बता दिया, बात भी सही था। तो उनके अकॉर्डिंग जो है रियलमी बड्स 2 उनको अच्छा लगा क्योंकि उसमें बेस अच्छा मिल रहा था। जो मेरा ओपिनियन है वो भी हम आपको बता देते हैं, हमको ना इसका साउंड क्वालिटी एवरेज लगा, एवरेज भी नहीं कहेंगे मतलब बैलेंस साउंड क्वालिटी लगा। कहने का मतलब ये है कि 800 रुपया दे के अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें आपको मिलेगा बेस तगड़ा, मतलब ले लेते हैं एकदम सॉलिड वाला बेस मिलेगा, वन प्लस का ईयरफोन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद लाउडनेस जो है वो भी काफी ज्यादा नहीं है, तो अगर आप 70% पे भी वॉल्यूम रख के और सुनते हैं गाना होना तो आपके कान को हर्ट नहीं करेगा, तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस ईयरफोन का। अब इस ईयरफोन में ना 9.2 mm का ड्राइवर दिया गया है। अब देखिए आप अगर कोई ऐसा ईयरफोन यूज कर रहे हैं जिसमें बेस जो है वो काफी ज्यादा है, लाउडनेस ज्यादा है, तो वो ईयरफोन अगर आप लिए हुए हैं उसका यूज कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि ये भैया नया नया लॉन्च हुआ है चलो ले लेते हैं, मतलब अच्छा होगा वन प्लस का है, तो उस ईयरफोन को जब आप लगाएंगे फिर इस ईयरफोन को आप लगाएंगे तो वहां पे आपको होगा निराशा, मतलब क्या ही हम ले लिए, मतलब इतना 800 रुपया खर्च कर दिए और हमको बेस तो मिल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा फील आएगा आपको, इसलिए हम पहले बता दिए। लेकिन अगर आप पहली बार कोई ईयरफोन ले रहे हैं और उसमें आप वन प्लस नोट ईयरफोन ले रहे हैं, मतलब ये आपका चॉइस है आप ले रहे हैं ये पहली बार और इससे पहले आप कोई भी ईयरफोन यूज नहीं किए, या फिर आप जो ईयरफोन यूज किए हैं उसमें बैलेंस साउंड क्वालिटी आपको मिल रहा है, उस टाइप का ईयरफोन अगर आप यूज कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप स्विच कर रहे हैं इस वन प्लस नोड ईयरफोन के साथ, तो फिर इस सिनारियो में जो वन प्लस नोड ईयरफोन है उसका जो साउंड क्वालिटी का आउटपुट है वो आपको बढ़िया लगेगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है कंफर्ट, तो यहाँ पे कंफर्ट के मामले में ये ईयरफोन जो है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब आप इसे लगाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत चुभ रहा है, लेकिन क्या है ना कभी कभी हम ईयरफोन लगा के और फिर सो के मजा लेते हैं, मतलब गाना होना का मूवी वूवी का, तो उसमें क्या है ना कि कभी कभी ये हमारे कान से निकल जाता है, तो वो चीज थोड़ा सा आपको लगेगा अरे भैया मतलब काहे निकल रहे हो। तो ओवरऑल ये तीनों पॉइंट जैसे डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और कंफर्ट जोन, तो ये जो 3 मेन मेजर पॉइंट है इनके बेसिस पे क्या ये ईयरफोन अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है? नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही, एकदम जस्टिफाई नहीं करता है अपने प्राइस को, क्योंकि ये ईयरफोन हमको लगता है ओवर प्राइस है। देखिए ये है हमारा ओपिनियन जो अभी हम आपको बोलने वाले हैं कि इसका जो प्राइस है वो 600 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो 200 रुपया लिया जा रहा है तो हमको लगता है कि ये ब्रांड वैल्यू को मतलब बरकरार रखने के लिए, मतलब वन प्लस का है हम ऐसे कैसे मतलब सस्ता में दे दें, ऐसा कुछ अगर इनका चल रहा है। बट फिर भी अगर आपका मन है नहीं भैया हम तो लेंगे वन प्लस का ही ईयरफोन लेंगे, वो भी नाइका वाला जो अभी लॉन्च किया है वन प्लस नोट ईयरफोन, हमको लिंक वो दो जल्दी से फटाक से एकदम डिस्काउंट वाला, तो नीचे में हम दे दिए हैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस लिंक पर क्लिक करके ना आप ईयरफोन खरीद सकते हैं। और हाँ क्या कह रहे हैं मतलब ऐसे चले जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। अब देखिए नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तो हमारा जो अगल का वीडियो है वो जो आएगा कैसे पता चलेगा कौन सा है, समझ गए ना? समझ
समझदार है आप लोग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।